नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं 1984 माइल्स। तो आज की जर्नी होने वाली है गाड़ी नंबर 1937 से अवध एक्सप्रेस से। अवध एक्सप्रेस मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से बरौनी जंक्शन के लिए रोजाना चलती है। इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए मैं पहुंच जाता हूं बांद्रा टर्मिनल के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे, जहां से हमारी गाड़ी अवध एक्सप्रेस खुलने वाली थी। अगर बात करें इस गाड़ी के टाइमिंग की तो अवध एक्सप्रेस मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से रोजाना 22 बजे खुलती है और तीसरे दिन 23:10 पे बरौनी जंक्शन बिहार पहुंचा देती है। अवध एक्सप्रेस महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश होते हुए बरौनी जंक्शन बिहार पहुंचती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का डिपार्चर। अवध एक्सप्रेस को मुंबई में आप और कौन कौन से स्टेशन से पकड़ सकते हैं, चलिए मैं आपको बताए देता हूँ। बांद्रा टर्मिनल से 22 बजे खुलती है, अंधेरी 22:08 पे पहुंच जाती है, यहाँ पे इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। बोरीवली 22:28 पे पहुंच जाती है, यहाँ पे इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। बोईसर 23:32 पे पहुंच जाती है, यहाँ पे इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। वापी 12:15 पे पहुंच जाती है, यहाँ पे इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। चलिए अब इस गाड़ी का इंटीरियर और वॉशरूम दिखाता हूँ। मैं इस गाड़ी में सफर कर रहा था AC 2 टायर में। कोच नंबर था A1 और सीट नंबर था 14। अपर बर्थ और काफी आरामदायक सफर था ये मेरा। अब चलिए कोच का इंटीरियर दिखाता हूँ। AC 2 टायर का केबिन कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले रीडिंग्स लाइट जलाता हूँ। केबिन में टोटल 4 सीट होता है, लोअर बर्थ और अपर बर्थ, मिडिल बर्थ नहीं होता है और लगेज रखने के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है, तो किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती है। चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। केबिन में आपको 4 मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं, 2 होल्डर मिल जाता है, ऊपर ट्रे मिल जाता है जिस पे बेडरोल रखा हुआ है। और देखिए AC 2 टायर का सीट कितना लंबा चौड़ा होता है, एकदम पसर के सोइए। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो दोनों लोग साथ में सो सकते हैं। और ये वाली सीट मेरी है, 14 नंबर, अपर बर्थ। बेडरोल भी एकदम साफ सुथरा दिया गया था और साथ में तौलिया भी दिया गया था, कंबल भी काफी साफ सुथरा था। सबसे मजेदार चीज तो ये है कि हर केबिन में पर्दा लगा होता है जिससे बाहर के लोग दाग झाक नहीं कर सकते हैं और उससे काफी कम्फर्ट भी मिलता है। अब आइए आपको नीचे का सीट दिखाते हैं। लोअर बर्थ में 2 सीट होती हैं, बैठने के लिए अलग और सोने के लिए अलग सीट होता है। साथ ही साथ टी ट्रे आपको मिल जाता है और इसके नीचे एक जादुई हुक होता है जिसमें आप अपना पानी का बॉटल 4-5 बॉटल छिपा कर रख सकते हैं। दूसरा कोई आपका पानी नहीं पिएगा ना लेके भागेगा। और हर सीट पे आपको रीडिंग्स लाइट मिल जाती है। अगर रात में आपको बुक वगैरह पढ़ना है या कोई काम है तो अपनी सीट की आप रीडिंग्स लाइट जला लीजिए और आप पढ़ाई कर सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं। और केबिन की बात करें तो काफ़ी साफ सुथरा केबिन था, आपको एकदम हाइजीनिक फील होगा। और लोअर बर्थ इतना चौड़ा है कि 3-4 आदमी एक साथ में सो सकते हैं। अब आइए आपको साइड लोअर और साइड अपर का शेयर कराते हैं। साइड लोअर और साइड अपर में भी आपको रीडिंग लाइट मिल जाती हैं और हर सीट पे आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाता है। खिड़कियां काफ़ी बड़ी बड़ी आपको मिल जाएंगी जिससे आप बाहर का नज़ारा बहुत ही आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और सभी खिड़कियों पे भी आपको कर्टन्स मिल जाती हैं जिससे आप धूप वगैरह से बच जाएंगे। अब चलिए आपको AC 2 टायर का वॉशरूम दिखाता हूँ। जैसे ही आप वॉशरूम के अंदर जाएंगे आपको बड़ा सा आईना मिलेगा और वो भी काफ़ी साफ सुथरा। साथ ही साथ
हैंड वॉश भी मिल जाता है, तो साथ में आपको हैंड वॉश ढोने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बेसिन की बात करें तो बेसिन भी काफ़ी साफ सुथरा आपको एसी टू टायर में मिल जाता है। दरवाजे पे आपको एक होल्डर मिल जाता है। ये इंडियन स्टाइल टॉयलेट है तो टॉयलेट भी काफ़ी साफ सुथरा था और फ्लश वगैरह बहुत अच्छे से काम कर रहा था। एसी टू टायर के वॉशरूम को मैं 5 स्टार देता हूँ। मुंबई शहर जो भी एक बार चला जाता है किसी का वहाँ से आने का दिल नहीं करता, लेकिन क्या करे, मजबूरी है। धीरे धीरे मुंबई शहर छूट रहा था और हमारी गाड़ी मुंबई से बाहर निकल रही थी। पहले जैसा कि आपने सुना होगा, मुंबई शहर कभी भी सोता नहीं है, ये बात सच है। रात के 12 बजने वाले हैं लेकिन अभी भी स्टेशन पे आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जो लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं घर जाने के लिए। लोकल ट्रेन मुंबई की जान है और हमारी गाड़ी मुंबई शहर के सारे रेलवे स्टेशन को धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। अंधेरी, बोरीवली, बोईसर, इन सभी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ती चली जा रही थी। और लोकल ट्रेन को देखकर मैं भी यही सोचे जा रहा था कि पता नहीं फिर कब आना होगा और इस लोकल ट्रेन में कब बैठ पाऊंगा। और ये भाई साहब अभी अभी वापिस से ट्रेन में बैठे हैं और इन्होंने रात का खाना भी नहीं खाया है। ये अपनी महिला मित्र को बता रहे थे कि कंपनी वालों ने अभी शाम को ही इनकी ट्रेन बुक की है, इनको सूरत जाना है किसी काम की वजह से और रात काफी हो चुकी है और सभी लोग सो चुके हैं। मैं अकेला ही जाग रहा हूँ, तो चलिए मैं भी अब सो जाता हूँ और आपसे मिलता हूँ सुबह सुबह। सुबह के 7:45 हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं रतलाम जंक्शन। रतलाम जंक्शन में हमारी गाड़ी 10 मिनट रुकेगी तो हम यहां पे उतरकर चाय पियेंगे। और रतलाम जंक्शन के कोड की बात करें तो रतलाम जंक्शन का कोड है RTM। और प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहां पे 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियां हैं। रतलाम में मैंने चाय ली है 10 रुपए की, ऑनलाइन नहीं ले रहा था, कैश बोल रहा था मुझे कैश ही चाहिए 10 रुपए का, क्या लिखूं ऑनलाइन में 50 रुपए 100 रुपए लूंगा, ये चाय भी बहुत घटिया है। अब आइए आपको इस गाड़ी के कोचेस एंड किराए के बारे में बता दूं। इस गाड़ी में एसी फर्स्ट क्लास, एसी टू टियर, एसी थ्री टियर, एसी थ्री टियर इकोनॉमी, स्लीपर, जनरल क्लास और लगेज की बोगियां लगी हुई हैं और किराया मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ऐसे मैं आपको बताई देता हूँ। स्लीपर के लिए आपको 805 रुपया देना होगा, थर्ड एसी इकोनॉमी के लिए 2020 रुपया देना होगा, थर्ड एसी के लिए 2125 रुपया देना होगा, टू टीयर के लिए 3105 रुपया देना होगा और एसी फर्स्ट क्लास के लिए 5295 रुपया देना होगा। अगर इस गाड़ी के स्पीड की बात करें तो हमारी गाड़ी 60 किलोमीटर की रफ्तार से 2256 किलोमीटर का सफर 49 घंटे 10 मिनट में पूरा करेगी। हमारी गाड़ी 2256 किलोमीटर का सफर 67 हॉल के साथ पूरा करेगी। देहरादून एक्सप्रेस बांद्रा हरिद्वार। और 8:55 पे हम पहुंच जाते हैं नागदा जंक्शन। नागदा जंक्शन भारतीय रेलवे के पश्चिम रेलवे का ए श्रेणी का रेलवे स्टेशन है। इसका कोड है NAD। अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहां पे 5 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियां हैं। यहां पे गाड़ी 5 मिनट के लिए रुकेगी। Thank you.
10:18 पे हमारी गाड़ी सामगढ़ पहुंच जाती है। सामगढ़ रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सामगढ़ शहर में पड़ता है। सामगढ़ रेलवे स्टेशन का कोड है SGZ। यह मंदसौर जिले का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म और 8 पटरियाँ हैं। जैसे ही मैंने भवानी मंडी और रामगंज मंडी जंक्शन पार किया, मुझे पता चल गया कि मेरी मंजिल अब आने वाली है कोटा जंक्शन। कोटा शहर हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड फोरम की सूची में दुनिया का 7वां सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर बना है। कोटा अपने बागों के लिए भी प्रसिद्ध है। कोटा को देश की शिक्षा नगरी के रूप में भी पहचाना जाता है और नज़ारों का मजा लेते हुए हम पहुंच जाते हैं कोटा जंक्शन। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ट्रैवल का वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।